हेलो गाइस, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, डेली सुबह 8 बजे मंडे टू सैटरडे अपना एक इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, जिसके अंदर हम 40 to 45 मिनट के अंदर दोस्तों द हिंदू न्यूज़पेपर को कवर करते हैं। अपार्ट फ्रॉम द हिंदू दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है उन सभी को हम कवर करते हैं। देखते हैं दोस्तों आपके एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में किस तरीके के सवाल है जो कि पूछे जा सकते हैं। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग करेंगे हमारे दोस्तों कल के 5 महत्वपूर्ण सवाल, और उसके बाद देखेंगे आज के द हिंदू के अंदर या फिर बाकी जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज पेपर है उन सभी के अंदर क्या न्यूज है जो कि हमारी नॉलेज और हमारे एग्जाम दोनों के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए तो सबसे पहले बात करें दोस्तों रेल मंत्रालय की। तो रेल मंत्रालय ने बोला था कि निजी प्राइवेट ट्रेन को कब से स्टार्ट करने के लिए बोला था। ठीक है गाइस, तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा मार्च 2023 के लिए दोस्तों बोला गया था। ठीक है, सही बोल रहा हूं बिल्कुल। और ठीक है, 23 के लिए था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मंगल पांडे ने अपने सिपाहियों को वर्ष डैश में ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ उकसाने का प्रयास किया, तो ये 1857 की बात है दोस्तों, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सीबीएसई ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कौन सी कंपनी के साथ में जो है वो पार्टनरशिप करी है, ये करी है दोस्तों आईबीएम के साथ में। हाल ही में बैरी जर्मन का निधन हो गया दोस्तों, निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हुए थे, तो ये क्रिकेट से जुड़े हुए थे। पहला भारतीय परमाणु परीक्षण कोड स्माइलिंग बुद्धा वर्ष डैश में आयोजित करवाया गया था। तो स्माइलिंग बुद्धा कब था, मार्च में करवाया गया था, जुलाई आई गेस, है ना। तो आपका आंसर हो जाएगा 1974, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप इंडिया में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपको दोस्तों प्लस में कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना है, चाहे यूपीएससी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक हो, तो BHU NESH भुवनेश्वर आप यूज कर सकते हैं यूपीएससी पीसीएस और डिफेंस के लिए। साथ में आपको इंडिया में 30+ एग्जाम, चाहे गेट का हो, चाहे कैट का हो, चाहे कोई सीए का हो, कोई सा भी हो दोस्तों, आप यहाँ पे भुवनेश्वर यूज कर सकते हैं। साथ में मेरा दोस्तों फाउंडेशन बैच भी स्टार्ट हो चुका है साइंस का, 17 तारीख से 2 क्लासेस अभी निकली है सिर्फ मात्र, आप ज्वाइन कर लीजिए, दोनों क्लासेस भी आपको मिल जाएगी। ओके, भुवनेश्वर यूज करके। और इसके अलावा मैं आपको कंप्लीट सिलेबस जीके के अलावा पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिक्स सब कुछ यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। साथ में 3-1 चैलेंज ज्वाइन नहीं किया तो जरूर करिएगा दोस्तों, 11 बजे और 12 बजे लाइव क्लास होती है, फ्री होती है स्पेशल सेशन के ऊपर, तो जरूर देखा करो, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, सारे सब्जेक्ट जो है वो मैं आपको यहाँ पे एक एक टॉपिक करवा रहा हूँ और उनके जो है टेस्ट भी यहाँ पे हाथों हाथ करवाता हूँ, तो आपकी जबरदस्त प्रैक्टिस है जो कि हो जाएगी इसके अंदर। कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं स्पेशल क्लास को मैं आपको बता देता हूँ, आपको अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करके ओपन करनी पड़ेगी, उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पे सर्च करिए, क्या सर्च करना पड़ेगा, भुवनेश शर्मा। उसके बाद में यहाँ पे फॉलो करिएगा, देखिए फॉलो करिए, फॉलो करते ही आपको सारी स्पेशल क्लासेस यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। ठीक है, सारी क्लासेस को आप यहाँ पे देख सकते हैं और बहुत मजा आएगा। कितने बच्चे हैं जो कि यहाँ पे डेली क्लास करते हैं, 3 मंथ का चैलेंज, रेगुलर 90 डेज क्लासेस होने वाली है यार, ये रेगुलर, समझ रहे हो, ये चैलेंज मेरे लिए भी है और आपके लिए भी है, 90 डे रेगुलर क्लासेस है मतलब। ठीक है, ये देखिए कुछ इस प्रकार से क्लासेस है जो कि यहाँ पे मिलती है। चलिए, ये मेरा शेड्यूल है, डेली सुबह 5 बजे 6 बजे और 8 बजे करंट अफेयर यूट्यूब पे, 11 बजे 12 बजे स्पेशल में और 9 बजे और 2 बजे दोस्तों यहाँ पे मेरी प्लस में क्लास होती है। ठीक है गाइज, चलिए आज का देखते हैं कोट ऑफ द डे जो कि यहाँ पे करण कुमार के द्वारा भेजा गया है। इंसान को थोड़ा मस्तीखोर भी होना चाहिए वरना सीरियस लोग तो हॉस्पिटल में भी मिलते हैं, जिनकी जिंदगी जिंदा है उनकी अस्थि जिंदा है, वरना यह समझ लो कि यह जबरदस्ती जिंदा है। यहाँ पे दोस्तों काफी सही बात है जो कि करण के द्वारा बोली गई है कि भाई थोड़ी मस्ती करनी भी जरूरी है ना, हंसते रहा करो, मुस्कुराते रहा करो, लोगों के साथ में मस्त जो है वो बातें किया करो, भाई सीरियस लोग जो है वो ज्यादातर हॉस्पिटल में मिलते हैं, है ना, जिनकी मस्त जिंदगी है उनकी हस्ती जिंदा है, और अगर जबरदस्ती जी रहो तो फिर बात अलग है, समझ गए मेरी बात, ये बात बिल्कुल सही है। देखो लाइफ में प्रॉब्लम्स आएगी, प्रॉब्लम्स जाएगी, अच्छा भी होगा बुरा भी होगा, बुरे लोग भी मिलेंगे अच्छे लोग भी मिलेंगे, यही लाइफ है दोस्तों, है ना। और जो इंसान दोस्तों इस लाइफ को, इन प्रॉब्लम्स को हंसते हंसते जो जीता है, हंसते हंसते जो रहता है,
प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं समझता है, वही दोस्तों लाइफ के अंदर जो है सबसे सक्सेसफुल और सबसे अच्छी लाइफ है जो कि जीता है। बाकी सारे के सारे तो मिथ है, जो कि आपके पास एसेसरीज है ये वो दिस एंड दैट, ये सब तो मिथ है यार। ये सबसे जो है कभी भी लॉन्ग टाइम हैप्पीनेस जो है वो ड्राइव नहीं होती है, वो आपके जीने के तरीके से होती है कि आप खुश रहते हो कि नहीं रहते हो, आप लोगों से कैसे बात करते हो, आप लोगों से बिन बात ही झगड़े करने वाली बातें कर रहे हो या फिर मस्त वाली बातें कर रहे हो, है ना। तो ये जो है दोस्तों इनको इम्प्लीमेंट किया करो, लाइफ में काफी चीजें हैं जो कि आपको देखनी है सीखनी है ना। और छोटी सी जिंदगी यार, कभी कुछ पता नहीं है, कोई रहे ना रहे, है ना। तो जितना भी टाइम है अपने पास उसको अच्छे से गुजारिए। ओके चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों द हिंदू के फ्रंट पेज की। सबसे पहले एक गुड न्यूज आते हैं, पहले एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है जो कि दोस्तों अपने वैक्सीनेशन को लेकर है। पूरा डिटेल में डिस्कशन करूंगा इसके बारे में। यहाँ पे दोस्तों जो है और कई सारे अटैक है जो कि गहलोत जी के द्वारा सचिन पायलट जी के ऊपर करे गए। यहाँ पे दोस्तों 6 महीने से जो है मिनिस्टर मोहम्मद फेन ने कोई भी रूल जो है वो फ्रेम नहीं करे CAA को लेकर। आपको मालूम है दिसंबर 2019 के अंदर जो है प्रेसिडेंट ने साइन कर दिए थे, है ना, बिल के ऊपर। और ये एक्ट MNA में क्या होता है कि रूल बनाने पड़ते हैं, लेकिन अभी तक रूल का अता पता नहीं है, तो वो यहाँ पे बताया गया है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे दुबे की डेथ को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई इसकी जांच पड़ताल की जाए यूपी को। इसके अलावा दिल्ली के अंदर 1000 से भी कम केसेस देखने को मिले अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट डेटा, तो ये अच्छी न्यूज है। यहाँ पे दोस्तों एक ट्राइबल गर्ल थी जिसकी न्यूज द हिंदू न्यूज़पेपर में आई थी, उसके बाद में जो कि अपने गांव के अंदर जो है टॉपर रही है अभी स्कूल के एग्जाम के अंदर, है ना बोर्ड के अंदर, तो उसके जो पढ़ाई को लेकर इंटरेस्ट को लेकर द हिंदू ने न्यूज पब्लिश करी थी। ट्राइबल लड़की, गाँव में कोई ज्यादा पढ़ा लिखा है नहीं, तो यहाँ पे VIT हो गया, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और भी कई सारे लोगों ने यहाँ पे इनकी मदद है जो कि अवेलेबल करवाई। ठीक है यार, यहाँ पे मैं आपको पहले बता चुका हूँ 65 ईयर्स से ऊपर के जो लोग है ना उनको पोस्टल बैलेट की सुविधा को लेकर यहाँ पे अभी मना कर दिया गया था इलेक्शन कमीशन के द्वारा। ठीक है, ये आसाम के दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो आसाम के अंदर फ्लड आया, कई सारे लोग हैं, 100+ लोगों के दोस्तों मृत्यु हो चुकी है, काफी ज्यादा डिजास्टर है दोस्तों ये। और होपफुली कि इस मुश्किल की घड़ी के अंदर आसाम के जो लोग है अपने, है ना, वो जल्दी बिल्कुल सही हो जाए और चीजें जो है वो नॉर्मलाइज हो जाए। एक तरफ तो कोरोना और एक तरफ जो है वो इतनी बड़ी बाढ़, मतलब आप देख सकते हो कि आसाम के जो अपने लोग है कितनी मुश्किलों में जो है अभी जी रहे हैं, समझ रहे हो। तो गाइज मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपकी लाइफ के अंदर सिर्फ करियर की प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम नहीं है यार, इससे बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है जो कि देश के लोग हमारे और दुनिया के लोग देखते हैं, समझ रहे हो। तो आपको जो वक्त मिला हुआ है, जो चीजें मिली हुई है, वो बहुत ही जबरदस्त मिली हुई है। ठीक है गाइज, यहाँ पे कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि जो लाल जी टंडन जी है उनका सुबह जो है उनकी डेथ हो गई है। ओके, तो ये भी एक काफी सैड न्यूज है। लाल जी टंडन आपको मालूम है दोस्तों गवर्नर जो थे और अभी काफी टाइम से बीमार थे, मध्य प्रदेश के गवर्नर थे, है ना। और आनंदीबेन पटेल जो कि यूपी की थी, उन्होंने ही एडिशनल चार्ज है जो कि अभी ले रखा था मध्य प्रदेश का। चलिए, तो ये भी एक दुखद घटना है। ठीक है, बाकी मेरे ख्याल से उम्र तो काफी हो गई थी लालजी टंडन की, ऑलरेडी काफी ज्यादा उम्र थी। ओके, तो ठीक है यार, अगर 70 साल के बाद में अगर कोई जाता है तो ठीक है, मतलब इट्स फाइन, मतलब चाहे वो कोई भी हो, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे वो कोई भी हो, मतलब ठीक है। एवरेज एज इंडिया के अंदर 69 ईयर होती है, उसके बाद में ठीक है, अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो ज्यादा अच्छा है कि चले जाओ ज्यादा दुनिया में से, लेकिन इवन दो, है ना। तो गवर्नर थे, अगर कुछ अगर काम ऑब्वियसली जो है उनका काफी काफी लार्ज एक्सपीरियंस था उनके पास में गवर्नेंस का। चलिए गाइज आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, जो कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात करेंगे जो कि हमारे फ्रंट पेज के ऊपर है, जो कि यूके की वैक्सीन। यूके की वैक्सीन ने दोस्तों काफी प्रॉमिसिंग जो है वो रिजल्ट दिए हैं, और ठीक है, और अपने इम्यून सिस्टम को लेकर, रेस्पॉन्स को लेकर अर्ली टेस्ट के अंदर। और ये देख सकते हो दोस्तों ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने ट्रायल जो है ना फेज थ्री के जो ट्रायल थे वो अप्रैल के अंदर स्टार्ट किए थे, और अभी 2 महीने से जो है काफी जबरदस्त रिजल्ट है जो कि देखने को मिल रहे हैं। यहाँ तक कि इनफैक्ट डोज लगाने के बाद में 2 महीने तक प्रोटेक्शन है जो कि मिल रही है। तो साइंटिस्ट जो है दोस्तों ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के, उन्होंने एक्सपेरिमेंटल कोरोना वायरस वैक्सीन जो है वो डेवलप करी थी, तो उसके अर्ली ट्रायल के जो है ना जो वो काफी अच्छे रिजल्ट आए। 100 लोगों के ऊपर जो है ट्रायल किया गया था प्रोटेक्टिव इम्यून रेस्पॉन्स को लेकर। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों ये यहाँ पे बताया गया रिसर्चर ने दोस्तों फर्स्ट ट्रायल करी थी, थर्ड ट्रायल तो अभी स्टार्ट हुई है, फर्स्ट ट्रायल जो है ना उसके रिजल्ट यहाँ पे बताए गए कि जो है ब्रिटिश रिसर्चर ने फर्स्ट बिगन किया था टेस्टिंग वैक्सीन के अप्रैल के ऊपर 1000 लोगों के ऊपर, समझ रहे हो। और 1000 लोगों के ऊपर भी जब करने के बाद में 2 महीने तक जो है ना वो उनको कवरिंग मिली थी, यानी कि वो इन्फेक्ट नहीं हो रहे थे, तो इम्यून सिस्टम जो है वो काफी अच्छा डेवलप हो गया था। ड्यूल रेस्पॉन्स देखने को मिला 18 से लेकर 55 साल तक के लोगों के बीच में, 2 महीने तक जो है वो इम्यून है जो कि हो गए थे, तो काफी अच्छा रेस्पॉन्स है जो कि देखने को मिला है। ये यहाँ पे दोस्तों ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो साइंटिस्ट है उनके द्वारा यहाँ पे
बताया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो वायरस है ना, CHAD, इस वैक्सीन का नाम है वो AZD करके है, आई गेस AZD करके इसका वैक्सीन का नाम है, और वायरस जो है वो CHAD करके है। ओके, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक्सपेरिमेंटल अपनी ट्रायल के अंदर इसके बारे में बताया है। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, टेस्टिंग जो है वो अप्रैल में स्टार्ट करी गई थी, 1,077 लोगों के ऊपर जो है ट्रायल किया गया। मॉडिफाइड वायरस जो है वो यूज किया गया था, जो कि इन्फेक्ट करता है चिंपांजी को, और जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो सार्स कोविड 2 से ली गई थी। ठीक है गाइस, इसके अलावा ये जो पूरी स्टडी है वो लैंसेट जो जर्नल होता है ना, लैंसेट जिसमें साइंस के पब्लिकेशंस आते हैं, उसके अंदर दोस्तों इसके अंदर बताया गया था। 70% जो लोग हैं जिन्होंने ट्रायल के अंदर डेवलप किया था उनको, ठीक है, फीवर और हेडेक है जो कि साइड इफेक्ट के तौर पे हुआ, लेकिन बहुत ही माइनर था। और आपको मालूम है पैरासिटामोल लेकर जो है उसको मैनेज किया जा सकता है। हमारे यहाँ तो आपको मालूम है जो है पैरासिटामोल से तो COVID-19 भी के लेकर लेकर भी कई सारे लोग ले रहे थे और दी जा रही थी, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत इसमें 70% लोगों में फीवर और हेडेक देखने को मिला है, लेकिन वो ठीक हो सकता है और बहुत ही माइनर था। ओके, और दुनिया में सबसे पहले जो भी हाई रिस्क लोग होंगे ना, जैसे कि हेल्थ वर्कर्स होंगे, एल्डरली लोग होंगे, सबसे पहले उनको वैक्सीनेशन है जो कि की जाएगी। और हमारे एम्स जो है दोस्तों वो भी फेज 1 की जो है टेस्टिंग है, जो कि अभी कोवैक्सीन जो बायोटेक बना रहा है ना अपनी, उसको लेकर स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, NDTV के अंदर भी न्यूज थी कि, और ये 9 घंटे पहले की न्यूज है, मतलब कि ऑक्सफोर्ड वैक्सीन जो है वो उन्होंने पार्टनर ट्रायल जो है वो इंडिया में कर रहे हैं। आपको मालूम है दुनिया का सबसे बड़ा जो वैक्सीन प्रोडक्शन करता है वो अपना सीरम इंस्टीट्यूट करता है ना, तो उनके साथ में मिलकर दोस्तों ये प्रोडक्शन करेंगे और जल्दी मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है गाइस, और ह्यूमन ट्रायल इन्होंने 23 अप्रैल को स्टार्ट किया था, मतलब ओके, और अभी ये लोग अपने फेज 3 के ऊपर है जो कि काम कर रहे हैं। फेज 3 के ऊपर लार्ज मतलब नियर बाय 30,000-40,000 लोगों के ऊपर ट्रायल है जो कि किया जाएगा, तो उसके अंदर इंडिया के अंदर भी दोस्तों ट्रायल से जो कि की जाएंगे, क्योंकि इंडिया में काफी केसेस है। ओके, और उसके बाद में जल्दी मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट हो सकती है। कब तक आ सकती है? तो ये दोस्तों अक्टूबर नवंबर तक दोस्तों ये आ सकती है। ठीक है, अक्टूबर नवंबर तक दोस्तों ये सब कुछ जिस तरीके से अभी सही चल रहा है वैक्सीनेशन के ऊपर काम, अगर सब कुछ सही रहा तो अक्टूबर नवंबर तक आ सकती है। इससे पहले अगर कोई क्लेम करता है तो मुझे नहीं लगता रशिया हो, चाहे फिर वो अपने बाबा रामदेव हो, चाहे कोई भी हो, फिर वो ज्यादा कोई रेलिवेंस वाली बात नहीं है ना, प्रैक्टिकल बात अलग है। ठीक है, यहाँ पे पेज नंबर 7 पे दोस्तों इन्फ्लेशन के बारे में जानकारी है जो कि दी गई है। ओके गाइज, इन्फ्लेशन के बारे में यहाँ पे बताया गया, ये देखिए काफी फनी सा है, बीजेपी का एक तरफ जो है वो पायलट का तो एक तरफ विंग जो है वो कांग्रेस की तरफ, एक तरफ बीजेपी तरफ, और ये सचिन पायलट है बीच में न्यू पार्टी आई के अंदर, तो ये काफी फनी सा फोटो बनाया गया यहाँ पे। चलिए गाइस, इन्फ्लेशन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे बताया गया दोस्तों, आपको मालूम है हमने पहले बात करी थी दिसंबर जनवरी 2019-20 के टाइम पे, अभी 6 महीने पहले, कि इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ज्यादा, महंगाई जो है ना वो बहुत ज्यादा है जो कि बढ़ गई थी, समझ रहे हो, महंगाई दर जिसको अपन कहते हैं, कोरोना से पहले की बात कर रहा हूं मैं, तो उसी तरीके का जो अपलिफ्ट जो सर्ज है ना वो अभी हमको देखने को मिला है। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, जून के महीने में लास्ट मंथ के अंदर दोस्तों जो भी सामान होता है ना वो काफी महंगे हो गए हैं, समझ रहे हो। यहाँ पे देख सकते हो दिसंबर और जनवरी 2020 के अंदर तो वेजिटेबल प्राइसेस जो है वो आसमान छू रहे थे, अभी फिलहाल दोस्तों मीट हो गया, फिश हो गया, आपकी दाल हो गई, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, फ्यूल, इन सब के अंदर जो है कॉस्ट है जो कि काफी बढ़ गई है, महंगाई दर बढ़ गई है। तो रिटेल इन्फ्लेशन का मतलब होता है जब आप दुकानदार से कोई सामान खरीदते हो है ना, तो उस टाइम पे जो सामान की प्राइस बढ़ जाती है तो उसको दोस्तों क्या है हम बोलते हैं रिटेल इन्फ्लेशन। ये देख सकते हो दोस्तों महंगाई दर को लेकर किस तरीके से जो है अभी रिसेंटली कितनी ऊपर चली गई है ना। और ठीक है गाइस, अर्बन इन्फ्लेशन की बात करें तो शहरों के अंदर मीट हो गया, फिश हो गया, इनकी प्राइसेस 18-18% तक बढ़ गई है, पल्सेस की भी 17% है, ट्रांसपोर्टेशन आपको मालूम है जो पेट्रोल डीजल है वो तो आसमान छू रहा है, वो यहाँ पे बताया गया है। इसके अलावा फ्रूट हो गए, और फ्रूट जो है वो थोड़े वेजिटेबल और फ्रूट के अंदर थोड़ी गिरावट है जो कि देखने को मिली है, डिफ्लेशन देखने को मिला है। इसके अलावा जो महंगाई हुई है वो मैंने आपको बता दिया है। गाँव के अंदर भी दोस्तों दालें, मीट, फिश, सीरियल, ये सारे दोस्तों काफी महंगे हो गए हैं। ठीक है गाइस, यहाँ पे ट्रेंड देख सकते हो, काफी अनस्टेबल ट्रेंड है जो कि हमको देखने को मिला है। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, इन्फ्लेशन को हम मेजर कैसे करते हैं। एक तो WPI से, होलसेल प्राइस इंडेक्स, यानी कि होलसेलर के ऊपर जो है, होलसेलर जब खरीदता है ना उसको दोस्तों प्राइसेस में कितना बदलाव देखने को मिल रहा है। देखो भाई, पहले तो होता है प्रोड्यूस, फिर जाता है होलसेलर के पास,
फिर जाता है आपके दुकानदार रिटेलर के पास, और फिर जाता है दोस्तों सामान हमारे पास कंज्यूमर के पास। इसके ऊपर पूरा लेक्चर है जो कि कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को पढ़ाया था स्पेशल सेशन के अंदर। अगर आपने देखा होगा तो मजा आ गया होगा, सबको समझ जाओगे। नहीं देखा है तो फिर आप जाके देखिएगा, मैंने पूरा इन्फ्लेशन के ऊपर एक घंटा पढ़ा था। WPI की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के द्वारा इसका डाटा मंथली बेसिस के ऊपर रिलीज किए जाते हैं। और कंज्यूमर हमारे पास में जब हम दुकान वाले से कोई सामान खरीदते हैं तो कितनी महंगाई होती है उसको हम CPI से दोस्तों मेजर करते हैं। इसका बेस ये 2011-2012 है दोस्तों, ठीक है गाइस, और है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और इसको कौन मेजर करता है? CSO, जो अपना स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है, मॉस्फिक अंडर में काम करती है, वो इसको दोस्तों मेजर करता है। आगे बात करते हैं पेज नंबर 10 दोस्तों, जहाँ पे यहाँ पे कोरोना के बारे में ही बताया गया है। इसके अलावा दोस्तों एक और बड़ा सा ट्विस्ट है जो कि अभी मैटर के अंदर आया है, इंडिया और ईरान वाले के अंदर, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे ना। ये ट्विस्ट है जो कि क्या देखने को मिला है, ओके, यहाँ देख सकते हो दोस्तों, वायरस ने हमारे देश के 104 डॉक्टर की जान ले ली है। मतलब कितनी बड़ी बात है, हमारे देश के जो डॉक्टर्स हैं, जो भी लोग हैं जो कि कोरोना के सामने आके लड़ रहे हैं, नर्सेज हो गए, अपने बैंक के कर्मचारी हो गए, वो भी बैंकों में काम कर रहे हैं रेगुलर, है ना, हेल्थ वर्कर्स हो गए कितने सारे, मतलब बहुत बड़ी बात है यार। मतलब लोगों की जान चली जाना, हम सुनते हैं तो बड़ा ऐसा लगता है कि चलो ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन जिनके परिवार में जाती है आप उनसे समझिए, है ना, कितना बड़ा दोस्तों ये कैजुअलिटी और कोरोना उनके लिए कितना बड़ा मुश्किलों की घड़ी है। तो कोरोना को सीरियस लेना जरूरी है। मतलब बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस जिसमें बोलते हैं सीरियस मत लो, लेकिन गाइस रियलिटी यही है। मतलब जिसके परिवार में जान जाती है वो समझ सकता है कि ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी थी। चलिए तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, एक अच्छी बात यह है कि हमारे यहाँ पे केसेस फर्टेलिटी जो रेट है वो कम हो गई है। हमारे देश में 100 में से जो है ना 100 लोगों को कोरोना हो रहा है तो मात्र 2.46% लोग है जिनकी डेथ हो रही है, यानी कि डेथ रेट दोस्तों 2-3% है हमारे देश के अंदर। तो ये अच्छी बात है कि लोगों की डेथ कम हो रही है। कोरोना होना इज नॉट अ बिग डील, लेकिन अगर डेथ हो रही है या फिर किसी की नौकरी चली गई है 2-3 महीने तक, फाइनेंशियल कंडीशन दोस्तों काफी खराब हो गई है, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे देख सकते हो 35,000 लोगों को कोरोना हुआ है, ओके, ठीक है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों 600 लोगों की दोस्तों कल मृत्यु हो गई है, और देश के अंदर सारे राज्यों के अंदर दिल्ली विल्ली को छोड़ के जो है सब जगह पे केसेस जो है वो बढ़ रहे हैं, ओके गाइज। यहाँ पे हमारी रिकवरी रेट जो है वो 62% है जो कि बताई गई है। 7 लाख से भी ज्यादा लोग हैं जो कि डिस्चार्ज हो चुके हैं 11 लाख लोगों के अंदर से। तो 14 मिलियन केसेस है जो कि पूरी दुनिया के अंदर है, जिसमें से दोस्तों हमारी बात करें तो 1.1 मिलियन केसेस है, ओके, 11 लाख के आसपास है, जिसमें 7 लाख लोग डिस्चार्ज हो गए, 27,000 लोगों के दोस्तों हमारे देश में मृत्यु है जो कि हो गई है, ओके गाइज। चलिए आगे बात करते हैं, एक बड़ा ही दोस्तों ट्विस्ट है जो कि एक और आया है हमारे इंडिया और ईरान वाले मुद्दे के ऊपर। आपको मालूम है दोस्तों कुछ दिन पहले क्या हुआ था, द हिंदू ने जो है एक न्यूज पब्लिश करी थी, न्यूज द हिंदू के कुछ ईरान के ऑफिशियल्स हैं उनसे बात करी थी, और उसके बाद में बताया गया था कि इंडिया के लोग को जहां पर रेलवे लाइन जो जा रही है ना, ठीक है, जहेडेन तक, उसमें से बाहर कर दिया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो चुका था, काफी कंट्रोवर्सी हो चुकी थी। इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि भाई हमने तो बोला था ईरान को, ईरान ने जो है कोई भी रेस्पॉन्स नहीं दिया, हमारे साथ में एग्रीमेंट किया नहीं, है ना। इसके अलावा ऑफिशियल जो है ईरान के, जिन्होंने दैंदू को बताया था, उनका ये कहना है कि 2016 के अंदर MOU साइन हुआ था जिसमें बोला गया था कि IRCON जो है साथ में मिलकर काम करेगी, लेकिन इंडिया ने काफी डिले किया पैसा फंडिंग को लेकर US सैंक्शन की वजह से भी, तो हमने जो है उनको मना कर दिया, हमने उनके साथ में काम आगे नहीं कर रहे हैं। अब फाइनली दोस्तों जो रेलवे मिनिस्टर है ना ईरान के, उनका कमेंट आया, क्योंकि कल हमारे इंडियन एम्बेसडर जो है वो तहरीन के अंदर जो है उनसे मिले और बोला कि भाई मैटर को लेकर बताओ क्या मामला है, क्यों क्या चल रहा है। तो ईरान के रेलवे चीफ ने बोला कि हम लोग ईरान जो है वो इंडिया के साथ में कंटिन्यू काम करेगा चाबहार लाइन के ऊपर, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे अलग अलग स्टेटमेंट है, जैसे कि अगर मैं ईरान के ऑफिशियल्स की बात करूं तो वो बोलते हैं कि इंडिया की डिले की वजह से हमने कैंसिल है जो कि कर दिया है, समझ रहे हो। इंडिया हमारे देश का जो स्टैंड है, हमने बोला कि ईरान ने जो है वो रेस्पॉन्स नहीं किया, ओके। इसके अलावा दोस्तों ईरान के जो रेलवे मंत्री है उन्होंने ये बोला कि हम कंटिन्यू करेंगे काम इंडिया के साथ में, ओके। तो सबका अलग अलग स्टैंड है जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ईरान के ऑफिशियल्स अलग बात बोलते हैं, इंडिया जो है उसने बोला कि हमने तो किया था लेकिन ईरान ने रेस्पॉन्स नहीं किया, ईरान बोल रहा है कि हम तो काम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है गाइस। इसके अलावा यहाँ पे काम वैसे स्टार्ट हो चुका है, 628 किलोमीटर की जो रेलवे लाइन है ना, समझ रहे हो, इसके ऊपर जो है इसका इनॉग्रेशन हो चुका है। इनॉग्रेशन के अंदर इंडिया को इनवाइट नहीं किया गया था,
और आरकॉन को इसके अंदर टेंडर में इंक्लूड नहीं किया गया, जो कि हमारी वहां पे कंपनी काम देखती है, इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी है आरकॉन पार्टिसिपेशन को लेकर। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे अलग अलग है। और ठीक है, तो ये कुल मिला के सारे मिलके जो है वो हम लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। सारे के सारे मिलके अलग अलग स्टेटमेंट है जो कि आ रहे हैं, मतलब कुल मिला के। अब इसके अंदर रियलिटी क्या है वो तो 1-2 साल के अंदर पता लग जाएगा, जब काम वहां पे थोड़ा बढ़ जाएगा ना, तब जो है वहां पे क्लैरिफिकेशन जो कि देखने को मिलेगा। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे सारे इश्यूज है जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। ओके चलिए, ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, जो कि पेज नंबर 11 को लेकर है। पेज नंबर 11 को लेकर दोस्तों दो बड़ी न्यूज है, एक तो वॉरशिप इंडिया और यूएस के जो है नेवी की एक्साइज है, उसके अलावा एक ई कॉमर्स की न्यूज है जो कि इंपॉर्टेंट है। इन दो के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों देखिए, हमने और इंडिया और अमेरिका, हम दोनों ने क्या किया है दोस्तों, एक नेवल एक्साइज है जो कि कर रहे हैं, जिसका नाम है पैसेक्स। एक पैसेज एक्साइज होती है, पैसेज एक्साइज का मतलब होता है कि दोनों की नेवी जो है एक जगह पे आके, ये देखिए इस तरीके से वॉरशिप्स है यहाँ पे जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि कल को अगर लड़ाई होती है या कोई भी मुद्दा होता है तो दो देश आपस में एक्सरसाइज इसलिए करते हैं ताकि मिलकर जो है वो आपस में कल को कोलैबोरेशन करके, साथ कोलैबोरेशन करके काम कर सके। तो पैसेज एक्सरसाइज की बात करें तो उसका नाम है पैसेक्स। पहले हमने इसके एक्सरसाइज को इंडिया और जापान के साथ में भी कर चुके हैं, और अभी हम लोगों ने इंडिया और यूएसए के साथ में, इंडिया जो है यूएसए के साथ में हम इसको कर रहे हैं। कहाँ पे कर रहे हैं भाई हम इसको हम लोग अंडमान एंड निकोबार वाला जो अपना एरिया है ना, वहां पे दोस्तों हम इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करवा रहे हैं। ठीक है, और यूएस का नेवी के जो है वो है यूएसएस का है निमिट्स, वो यहाँ पे दोस्तों पार्टिसिपेट है जो कि कर रहा है। ठीक है गाइस, और आपको मालूम है इंडियन ओशन रीजन हो गया, साथ में साउथ ईस्ट साउथ चाइना सी वाला एरिया हो गया, वो काफी हाई अलर्ट के ऊपर है अभी, बिकॉज इंडिया और चाइना के लद्दाख के अंदर भी क्लैश हुआ है। तो इंडियन नेवी, इंडियन ओशन हो गया, और साउथ चाइना सी वाले में तो हमेशा प्रॉब्लम रहती रहती है। ठीक है गाइस, तो ये यहाँ पे दोस्तों बताया गया है। और इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, देखिए यहाँ पे ये स्टेट ऑफ मलाका है, यहाँ से दोस्तों ये जो यूएस का शिप है ना वो गुजरेगा, है ना, ये साउथ चाइना सी से ही इस वाले एरिया से दोस्तों ये गुजर के हमारे वाले एरिया में आएगा, और यहाँ पे एक्साइज है जो कि कंडक्ट करवाई जाएगी। ठीक है, ये स्टेट ऑफ मलाका जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, आपने देखा होगा इसको, है ना, मलेशिया इंडोनेशिया के बीच में, यहाँ से मेजरली जो ट्रेड है ना दोस्तों चाइना का या किसी भी देशों का, यहाँ से दोस्तों मलाका स्टेट से होता है मेजरली ट्रेड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, समझ रहे हो, इंडोनेशिया जो है उसको कंट्रोल करता है मेजरली, और इंडिया जो है वो इंडोनेशिया के एक पोर्ट है वहां पे, उसका नाम है सेबोंग पोर्ट, वो भी भारत को एक्सेस के लिए अवेलेबल है। 2016 के अंदर नेवी का एग्रीमेंट हुआ था, और इंडोनेशिया के साथ में हम एक्सेस भी करते हैं दोस्तों, आपको मालूम है। ठीक है, ओके, ये सब चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। आगे बात करें दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं जो कि है अपने, ठीक है, किसको लेकर, ई कॉमर्स को लेकर। ई कॉमर्स की बात करें दोस्तों तो न्यू ई कॉमर्स रूल्स है जो कि रिसेंटली जो है किक ऑफ है, जो कि नेक्स्ट वीक से आने वाले हैं। अब आपको ये बात पता नहीं होगी, लेकिन नेक्स्ट वीक से दोस्तों काफी सारी अच्छी चीजें हैं जो कि आप लोगों के लिए होने वाली है। और जिसकी अगर मैं बात करूं दोस्तों, शुरुआत करूं, ठीक है, तो बात ऐसी है कि ई कॉमर्स जितने भी पोर्टल है, चाहे फ्लिपकार्ट हो, चाहे अमेजन हो, चाहे स्नैपडील हो, कुछ भी हो, तो इनके जो रिड्रेसल मैकेनिज्म है ना उसको इम्प्रूव करने के लिए बोला है। रिड्रेसल मैकेनिज्म का मतलब होता है जो कि आप शिकायत करते हो, है ना, आपका प्रोडक्ट खराब आ गया, बेकार आ गया, चेंज करवाना है ना, उसको लेकर थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री जो है रामविलास पासवान जी ने, जो मिनिस्टर है अभी, उन्होंने स्ट्रिक्टनेस दिखाई है, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है ना अपना 2019, उसके अंदर कुछ तब्दीली है जो कि करी गई है, उसके अकॉर्डिंगली कुछ रूल्स के अंदर बदलाव करे गए, और बोला गया है दोस्तों कि अगर कोई भी रिटर्न को लेकर, रिफंड को लेकर, एक्सचेंज, वारंटी, गारंटी, डिलीवरी, शिपमेंट हो गया, मोड ऑफ पेमेंट हो गया, किसी भी प्रकार की जो भी प्रॉब्लम होगी, है ना, उसकी पूरी डिटेल जो है वो अवेलेबल करवानी पड़ेगी कस्टमर को, समझ रहे हो, कस्टमर को पूरी डिटेल अवेलेबल करवानी पड़ेगी, जो जो मैंने बात बोली है इन सबको लेकर। साथ में दोस्तों कंट्री ओरिजिन, कंट्री ऑफ ओरिजिन भी यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। कंट्री ऑफ ओरिजिन का मतलब यह है कि भाई कौन से देश में कौन सा प्रोडक्ट बना है, कहाँ से इसको मंगाया गया प्रोडक्ट को। जैसे कि अगर मान लो आपने कोई सामान खरीदा एयरफोन, अब एयरफोन जो है वो आपको बेचेगी तो इंडियन कंपनी, कोई दुकान वाला बेचेगा, लेकिन ये बने कहाँ पर एयरफोन, ये आपके चाइना में बने हुए, तो चाइना कंट्री ऑफ ओरिजिन जो है उसके ऊपर लिखना जरूरी है, जैसे हमें भी पता लग जाएगा कि भाई कौन से देश का सामान है जो कि हम लोग खरीद रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों 48 आवर्स के अंदर जो है ये बोला जा रहा है,
आपकी जो भी सामान खरीदने की जो रिसिप्ट होती है ना, वो मैक्सिमम 48 आवर्स के अंदर आपको मिल जानी चाहिए, समझ रहे हो। इसके अलावा कंज्यूमर कंप्लेन का भी, ये 48 आवर्स में रिसिप्ट, कौन सी वाली, सॉरी, ये सामान खरीदने वाली नहीं है, ये आपकी कंप्लेन वाली रिसिप्ट है। आप अगर कंप्लेन करते हो तो आपको कंप्लेन नंबर मिलते हैं हमेशा, उसकी एक रिसिप्ट मिलती है। तो 48 आवर्स के अंदर आपको रिसिप्ट मिलना जो है वो कंपलसरी है, और साथ में 1 महीने के अंदर आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो होना चाहिए, मैक्सिमम 1 महीना, समझ गए। तो ये यहाँ पे टाइम पीरियड है जो कि बताया गया है, समझ गए मेरी बात। एक तो 48 आवर्स में आपको कंज्यूमर का जो आपका कंप्लेन नंबर है वो आपको मिलना जरूरी है, और साथ में 1 महीने के अंदर जो है दोस्तों उसके ऊपर एक्ट होना जरूरी है, यानी कि उसके ऊपर उस केस को, जो भी आपका मैटर है उसको खत्म, रिजोल्व करना जरूरी है, ठीक है गाइज। तो ये सारे के सारे लॉज है जो कि अभी तब्दीली हुई है। आगे बात करते हैं पेज नंबर 14 को लेकर। पेज नंबर 14 की बात करें तो हमारे लिए दोस्तों अरब का जो मिशन है दोस्तों, मार्स मिशन, उसके बारे में बातचीत यहाँ पे करेंगे, ठीक है गाइज, जस्ट गिव मी सेकेंड, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, अरब होप है जिसका नाम है, जो कि मार्स मिशन है, जो कि जापान की कोस्ट है दोस्तों, इसको भेजा गया है। फर्स्ट अरब स्पेस मिशन है दोस्तों जो कि मार्स के ऊपर जा रहा है, ये अनमैंड है, जिसका नाम है होप प्रोब है, जो कि नाम दिया गया है। ये जापान से दोस्तों भेजा गया है रेड प्लेनेट के लिए। जापान का जो रॉकेट है दोस्तों, वो यूए के सेटेलाइट को जो, ठीक है, ये स्पेसक्राफ्ट को जो प्रोब है इसको लेके जाएगा, ठीक है गाइस। यहाँ पे इसका नाम है ताने गाशिमा स्पेस सेंटर है दोस्तों, सदर्न जापान वाला एरिया है, वहां से इसको लॉन्च है जो कि किया गया है, ठीक है गाइस। इस अरेबिक के अंदर इस लॉन्च को अल अमल नाम है जो कि दिया गया है, अरेबिक के अंदर दोस्तों ये नाम है जो कि इसको दिया गया है, ठीक है गाइस। बैड वेदर की वजह से दोस्तों ये डिले है जो कि हो गया था, ठीक है। और यह अरब देशों का दोस्तों पहला ऐसा मिशन है जो कि किया जा रहा है, ठीक है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके अलावा तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों तो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इससे पहले आपको मालूम है यूएसए हो गया, इससे पहले इंडिया ने भी भेजा हुआ है, यूएसए ने भेजा हुआ है, सोवियत यूनियन, यूएसएसआर ने भेजा हुआ है, यूरोपियन यूनियन हो गई है ना, इन सभी ने दोस्तों सक्सेसफुली जो है मिशन जो है वो क्या किया है, मार्स के ऊपर भेजा है। चाइना भी दोस्तों प्रिपेयर कर रहा है अपना मार्स रोवर, अगले महीने जो है वो भेजेगा मार्स के ऊपर। अभी चाइना ने जो पहले ट्राई किया था उसके ऊपर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ था, ठीक है गाइस, ओके। और रिसेंटली दोस्तों ये प्रोजेक्ट है, मतलब इस प्रोजेक्ट का नाम जो है ना, मैं आपको बताता हूँ, ये प्रोजेक्ट आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि ये प्रोजेक्ट जो है वो किसका है, ठीक है। इसको ना बोलते हैं इमिरेटी प्रोजेक्ट, इमिरेटी प्रोजेक्ट ये प्रोजेक्ट का नाम है, ओके, ये प्रोजेक्ट का नाम है इसका, जो लॉन्च किया गया ना, इस प्रोजेक्ट का नाम है। एक्चुअली के अंदर अभी दोस्तों मार्स के ऊपर थोड़ी होड़ मची हुई है कि कौन अभी भेजेगा, जैसे कि आपको मालूम है चाइना भी ताइवान वन नाम से जो है वो मार्स के ऊपर भेज रहा है। इसके अलावा यूएसए जो है वो भी अपने रिसेंटली कई सारे नए एक्सपेरिमेंट कर रहा है, और अभी इसी के साथ में दोस्तों यूए ने भी भेज दिया है। आगे बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं पेज नंबर 15 पे दोस्तों। यहाँ पे हम जो बात करने वाले हैं दोस्तों वो एक न्यूज है लेकिन जो हमारे लिए अच्छी नहीं है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि पीएसयू बैंक के लेकर है, ठीक है गाइस, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दोस्तों कुछ सोर्सेज जो है, गवर्नमेंट के जो सोर्सेज है उनके द्वारा पता लगा है कि इंडिया जो है हम लोग एम कर रहे हैं कि हमारे जो पीएसयू बैंक है ना वो अभी 12 से कम होके 5 है जो कि रह जाए। तो इंडिया इज लुकिंग टू प्राइवेटाइज्ड मोर एंड मोर बैंक। तो हम लोग दोस्तों अभी यहाँ पे दोस्तों गवर्नमेंट जो है ना, इंडियन गवर्नमेंट है तो वो क्या कर रही है, बैंक्स को प्राइवेटाइज कर रही है, ओके। तो बोला जा रहा है कि 12 जो अभी अभी यहाँ पे अपने जो पब्लिक स्टेट ओन्ड बैंक्स है ना उसको घटा के 5 जो है वो सिर्फ पीएसयू बैंक है जो कि रखेंगे, बाकी सबको दोस्तों प्राइवेटाइज है जो कि कर दिया जाएगा, प्राइवेट बैंक है जो कि बना दिया जाएगा। फर्स्ट प्लान ये है कि बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पीएनबी, पीएन पंजाब एंड सिंध बैंक है ना, इन सभी को प्राइवेटाइज है जो कि किया जाएगा। उसके बाद में गवर्नमेंट का प्लान है मात्र 4 से 5 रखने का, ओके। यहाँ पे देख सकते हो न्यू प्राइवेटाइजेशन प्लान जो कि यहाँ पे अनवील करे गए हैं, और गवर्नमेंट है जो कि इसके ऊपर फॉर्मुलेटिंग यानी कि इनको बना रही है, और कैबिनेट को जल्दी इसका अप्रूवल है जो कि मिल जाएगा। फाइनेंस मिनिस्टर से जब इसके बारे में पूछा गया दैनंदिन ने, तो यहाँ पे कमेंट करने के लिए डिक्लाइन कर दिया गया, फाइनेंस मिनिस्टर ने कोई कमेंट इसके ऊपर नहीं किया गया है, लेकिन कुछ गवर्नमेंट के सोर्सेस से ही इसके बारे में पता लगा है, ठीक है गाइस। तो ये यहाँ पे बताया गया है, और अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं देगा क्योंकि जो है अभी तो वैसे कोविड-19 की वजह से प्रॉब्लम चल रही, तो अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलेगी, ओके।
ओके और आपको मालूम है मर्जर के बाद में देखो सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट जो है वो किसी भी तरीके से अपने बैंकों को प्रॉफिट में नहीं लेके आ पा रही है, तो सिंपल सी बात है मर्जर भी अब तो जो है वो मुश्किल लग रहे हैं, तो सिंपल सी बात है बेचेगी और पैसा कमाएगी, समझ रहे हो? ये सिंपल सा लॉजिक है जो कि गवर्नमेंट इसके ऊपर लगा रही है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं पेज नंबर 16 पे। आपको मालूम है अभी जो रेलवेज है उसको बेचने की भी तैयारी जो है वो ऑलमोस्ट हो रही है। इसके अलावा पीएसयू बैंक है, पीएसयू जो अपनी है ना पब्लिक सेक्टर यूनिट, उसको साथ में पब्लिक सेक्टर बैंक हो गए, साथ में एलआईसी हो गए, तो जितने भी जो हमारे देश के जो प्रॉफिटेबल या जो प्रॉफिट दे रहे थे या देने देना चाहिए था, वो सभी धीरे धीरे क्या हो रहे हैं दोस्तों, प्राइवेटाइज है जो कि उनको किया जा रहा है, समझ रहे हो? मतलब बेचने की पूरी कोशिश हो रही है। और एक बात हमेशा समझिएगा कि कोई भी बेचा तब जाता है किसी भी चीज को तब कोई भी चीज जो है वो संभल नहीं रही होती है। अगर आपके पास में 10 प्रॉपर्टीज है फॉर एग्जाम्पल, और अगर आप जो है मुश्किलों की घड़ी के अंदर है ना, आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, तो आप क्या करोगे, आप अपनी एक प्रॉपर्टी बेचोगे और पैसा लोगे और फिर आप अपने बिजनेस को चलाओगे। सिंपल सा गणित होता है। तो ये वाली गणित होता है जब आप किसी चीज को प्राइवेटाइज करते हो, बेचते हो उसके शेयर्स को, ये वो सेम गणित होती है। चलिए गाइस आगे बात करते हैं T20 को लेकर। T20 की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे और साथ में एक और ये जो ला लीगा है ना दोस्तों, टूर्नामेंट होता है ला लीगा है ना, स्पेनिश लीग होती है दोस्तों काफी फेमस, तो इसको किसने, रियल मैड्रिड है जिसने जीत ली है, और मैसी के दोस्तों हाईएस्ट है जो कि यहाँ पे गोल करे गए हैं। ठीक है, देखो अगर अगर मैं बात करूँ दोस्तों, ऐसी न्यूज जो है वो मुझे देनी नहीं चाहिए एज ए, देखो हमेशा क्या होता है अगर मैं एडटेक कंपनीज की बात करूँ, अगर मैं वाईफाई सिटी की बात करूँ है ना, तो देखो ऑब्वियसली जो है ना जितनी ज्यादा गवर्नमेंट जॉब होती है, जितनी ज्यादा बच्चे प्रिपरेशन करते हैं उतना ज्यादा बेहतर होता है किसी भी एडटेक कंपनी के लिए, समझ रहे हो? तो लेकिन मैं, मेरे को लगता है कि आपको एक प्रॉपर न्यूज है जो कि हमेशा मिलनी चाहिए कि देश में क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, आप सब चीजों से वाकिफ होने चाहिए हो। ओके, इसीलिए मैं इस न्यूज है जो कि आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, अदरवाइज मुझे लगता नहीं कि ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर कोई भी आपके साथ में इस न्यूज को जो है वो शेयर करेगा, समझ रहे हो? लेकिन ठीक है यार, वाईफाई स्टडी की अगर तौर पर बात करें तो हमेशा ही दोस्तों, हमेशा आपके लिए जो भी बेनिफिट होता है, जो भी सही होती है, वो ही हमेशा चीजें हैं जो कि आपको डिलीवर करी है। ठीक है, तो ये रियलिटी है, मतलब यार जो भी है। आगे बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, T20 को लेकर, तो देखो T20 टूर्नामेंट है जो कि आपको मालूम है अभी इस साल जो है वो होने वाला था, अभी इसको क्या कर दिया गया है दोस्तों, कैंसिल कर दिया गया है। अब ये 2022 के अंदर है जो कि करवाया जाएगा। ठीक है गाइस, 2022 ठीक है 22 के अंदर है जो कि इसको रिशेड्यूल है जो कि किया जा रहा है। आईपीएल को भी रिशेड्यूल करने के लिए यहाँ पे दोस्तों बोला गया है। 2023 के अंदर आपको मालूम है ओडीआई वर्ल्ड कप भी है, तो 2022 के अंदर जो है वो T20 वर्ल्ड कप भी है, तो ये दोनों ही वर्ल्ड कप के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ओके, और ठीक है, और ये कहाँ पे होगा, क्या होगा, इसके बारे में अभी जानकारी ज्यादा यहाँ पे नहीं दी गई है। आगे बात करते हैं, जो कि मैंने आपको बता ही दिया दोस्तों कि ला लीगा चैंपियन है जो कि रियल मैड्रिड है जो कि बन गया है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हो बार्सिलोना और रियल मैड्रिड दोनों ने चैंपियंस लीग के अंदर जो है वो क्वालिफिकेशन पा लिया है, क्योंकि स्पेनिश लीग के अंदर क्या है, जो ऊपर की दो टीमें हैं वो क्या करती है, चैंपियंस लीग में पार्टिसिपेट करती है। ओके गाइस, ये यहाँ पे बताया गया। नेक्स्ट है दोस्तों, जो कि रिसर्चर ने डिस्कवर किया है सी कॉकरोच, कहाँ पे, इंडोनेशिया के अंदर। दिख रहा है आपको, फोटो दिख रही है आपको, ये मतलब काफी अजीब सा है, मतलब काफी अजीब सा स्पीशीज है सी कॉकरोच, हम इसको कहते हैं। ठीक है, देखो बात ऐसी है, यहाँ पे काफी सारे बच्चे हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब्स के लिए बोल रहे हैं। देखो मैं आप लोगों को एक रियलिटी बता देता हूँ, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली आप लोगों के पास में मौका है दोस्तों आने वाला 1 साल जो, और मैक्स 2 ईयर्स, आप अपने जितनी पढ़ाई कर सकते हो ना, समझ रहे हो, उतनी पढ़ाई आने वाले 1 या 2 साल में कर लो, क्योंकि उसके बाद में जो गवर्नमेंट जॉब्स है वो दोस्तों धीरे धीरे डिक्लाइनिंग वाले मोड पे है जो कि जा रही है, समझ गए मेरी बात? तो 1 या 2 साल में तो अभी भी जॉब्स काफी है, जैसे कि एसएससी की भी आ जाएगी, ठीक है बैंक की भी आ जाएगी, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूपीएससी तो खैर रहती ही रहती है, लेकिन उसमें भी जॉब में कमी आ रही है। ओके, लेकिन समझ रहे हो मेरी बात, लेकिन आने वाले 1-2 साल का टारगेट कर लो कि इसके अंदर इतनी पढ़ाई करनी है और जॉब लग जाना है, और अगर 1-2 साल के अंदर जॉब फिर भी जिन बच्चों के नहीं लगती है ना, तो आप लोग इतने स्किल हो जाओगे, आपको नॉलेज इतना हो जाएगा कि आप लोग कहीं स्कूल कॉलेजेस के अंदर, बाहर की यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हो पीएचडी के अंदर, समझ रहे हो? इंडिया के अंदर अगर आप कोई एमकॉम बीकॉम या साइंस की फील्ड से बिलोंग करते हो, किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हो, तो आप पीएचडी कर सकते हो, नेट जो है ना जेआरएफ वो क्रैक कर सकते हो। ओके, तो आपके पास में अच्छी अपॉर्चुनिटीज हो जाएगी, जो आपके पास में नॉलेज हो जाएगी, तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करो, आपका करियर अपने आप सेट हो जाएगा, समझ गए?
तो बड़ी बात ये, बस मैं आपको गवर्नमेंट जॉब अगर आपका सपना है तो मैं ये बोल रहा हूँ कि 1 या 2 साल के अंदर टारगेट बना लो कि भाई 1 या 2 साल पढ़ना है, और इतना पढ़ना है कि इसके अंदर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कुछ और करना है, कोई भी स्किल बेस्ड है जो कि काम करना है, आपके पास में नॉलेज हो जाएगी तो नॉलेज के बाद में आप जो है कुछ भी कर सकते हो, अच्छा काम, ठीक है, उसके अंदर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, जो कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे सी कॉकरोच को लेकर। तो लोड मत लो, टेंशन वेंशन मत लो कि भाई जॉब्स कम हो रही है नहीं हो रही है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक जॉब चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम चाहिए हर एक बच्चे को, समझ रहे हो मेरी बात, आपको कोई 50 वैकेंसी नहीं चाहिए, ठीक है, बस आप ये टारगेट करो कि भाई आने वाले 1 साल के अंदर या मैक्स 2 साल के अंदर जो है वो गवर्नमेंट जॉब लग जाना है, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब का सपना है तो। अगर नहीं लगती है तो फिर माथापोड़ी मत करो और लाइफ को एक्सप्लोर करने की कोशिश करो, और भी 500 जगह पे आपका करियर है जो कि है, क्योंकि तो आपके पास में नॉलेज है, जिसके पास में नॉलेज है वो कहीं पर भी लाइफ में आप लोग जो है पीछे नहीं हटोगे कभी भी। आप लोग इतने टाइम से सुबह 8 बजे वाला करंट अफेयर सेशन देख रहे हो, आप मुझे मालूम है कि आपके ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत हो चुका है, समझ रहे हो, आप कहीं पर इंटरव्यू भी देने जाओगे किसी प्राइवेट जॉब के लिए या कहीं पर भी है ना, स्कूल में कॉलेजेस में पढ़ाने के लिए कहीं पर भी, तो आप लोग हमेशा सक्सेसफुल हो जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर, ठीक है। तो इतना लोड मत लो, मस्त रहो, बढ़िया पढ़ाई करो, होएगा अच्छी बात है, नहीं होगा तो लाइफ बहुत बड़ी है, बहुत अच्छा करियर आपके लिए और वेट कर रहा है, समझ रहे हो, चिंता मत करो इन चीजों की, ठीक है, लोड मत लो। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों, साइंटिस्ट ने रिपोर्ट किया, डिस्कवरी किया सुपर जाइंट आइसोपोड स्पीशियस का, ये इंडियन ओशन की जो टीम है दोस्तों, इंडियन ओशन के अंदर ही दोस्तों इंडोनेशिया वाला जो एरिया है ना वहां पे सिंगापुर के कुछ रिसर्चर है उन्होंने दोस्तों फाइंड किया है, ठीक है गाइस, आप देख सकते हैं 14 लैग है दोस्तों इसके सी कॉकरोच के, दिख रहे हैं आपको, और ये एकमात्र ऐसा स्पीशीज है जो कि चलता है बेड ऑफ ओशन के अंदर, सर्च ऑफ फूड के अंदर, ओके, आइसोपोड है और 33 सेंटीमीटर दोस्तों नॉर्मल ग्रोथ है जो कि इसकी देखने को मिलती है, ठीक है, डीप वाटर के अंदर जो है देखने को मिलेगा, जो भी डेड मरीन एनिमल्स होते हैं ना, वेल्स हो गई, फिश हो गई, उसको ये खाके अपना काम है जो कि चलाता है। आगे बात करते हैं दोस्तों, इंडियन स्पाइसेस जो है उनका एक्सपोर्ट 30% जो कि बढ़ गया है, ओके गाइस, तो $359 मिलियन है जो कि हमने एक्सपोर्ट किया है, $292 मिलियन जो है वो पहले 2020 के मतलब लास्ट ईयर 2019 के अंदर हमने इतना किया था, और अभी 23% की बढ़ोतरी है जो कि देखने को मिली है, ठीक है गाइस, तो ये एक अच्छी बात है मतलब, और अब पूरी दुनिया के अंदर हमने जो है स्पाइसेस को एक्सपोर्ट है जो कि किया है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, 108 एनिमल जो है जिसमें 9 राइनोज है उनकी डेथ हो गई काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर बिकॉज ऑफ द असम फ्लड। आपको मालूम है दोस्तों कि अभी काफी ज्यादा मुश्किलों में चल रहा है असम, और 223 फॉरेस्ट कैंप है जो कि लगाए गए हैं जिसके अंदर काफी सारे एनिमल भी परेशान है, और 9 राइनोज की दोस्तों यहाँ पे मृत्यु हो गई है। ओके गाइज, आप देख सकते हैं दोस्तों ये ब्रह्मपुत्र है, गुवाहाटी, ईटानगर है ना, और एवरेज डिस्चार्ज की बात करें दोस्तों तो आप देख सकते हो दोस्तों काफी स्ट्रॉन्ग डिस्चार्ज है जो कि पानी का यहाँ पे दोस्तों देखने को मिला है ब्रह्मपुत्र में। अमेजन, कॉन्गो, यांगजी के बाद में ब्रह्मपुत्र ही है जहाँ पे एवरेज डिस्चार्ज जो है मौत के ऊपर, यानी कि एरिया जो निकलता है पानी वो काफी ज्यादा है, ठीक है, तो ये वाला एरिया है दोस्तों जो कि काफी ज्यादा अफेक्टेड है इस वाले पे, इस वाले टाइम पे 430 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है दोस्तों काजीरंगा का। ओके, 2/3 दुनिया की जो पॉपुलेशन है राइनोस की वो यहीं पर, 1 हॉर्न राइनोस की वो यहीं पर ही देखने को मिलती है, ठीक है गाइस। 1908 के अंदर दोस्तों रिकमेंडेशन क्या था, कर्जन के द्वारा है ना, मैरी कर्जन के द्वारा, तो ये जो है बनाया गया था, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, वर्ल्ड कप विनर है दोस्तों शूजल, 29 साल की उम्र में उन्होंने क्या कर लिया, रिटायरमेंट है जो कि दोस्तों लिया है। 2014 की जो फीफा वर्ल्ड कप की जो विनर टीम थी ना जर्मनी की, उसके मेंबर थे दोस्तों, ठीक है गाइस। आगे बात करते हैं, लेटेस्ट आईसीजे की रूलिंग आई है जिसके अंदर कतर को दोस्तों एडवांटेज है जो कि मिला है। एक्चुअली के अंदर क्या हुआ था कि जितने भी आसपास के कंट्रीज है ना, ये देखो ये जो भी ये कतर है, ठीक है थोड़ा सा और दिखाता हूँ मैप में, हाँ ये देखिए आ गया, ये जो छोटा सा कंट्री है ये कतर है और ये बहरीन है, कि जितने भी आसपास के जो कंट्रीज है ना दोस्तों, इन सब ने मिलकर क्या किया था, कतर को जो है ना एक तरीके से जात बार कर दिया था, समझ रहे हो, कैसे कर दिया था, क्योंकि इन लोगों ने आरोप लगाया कि ये जो है क्या कर रहा है, कतर जो है वो टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा है, फंडिंग कर रहा है, ओके, इस तरीके के चार्जेस है जो कि इसके ऊपर लगाए गए थे। बहरीन, सऊदी, इजिप्ट और यूएई, इन चारों देशों ने क्या किया था है ना, अपने पूरे मरीन हो गए और साथ में एयरवेज हो गए, उसको क्या कर दिया था, ब्लॉक कर दिया था, समझ गए। तो उसके बाद में दोस्तों कहा हो गया, केस चला गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर, और वहां पे दोस्तों ईरान के फेवर में जो ये रूलिंग है जो कि हुई है। ओके गाइस, 2017 के अंदर कतर की जो नेबरिंग अरब नेशन है, सऊदी, यूएई, बहरीन, इजिप्ट, इन सब ने शिपिंग रूट, एयर स्पेस रूट जो है वो बंद कर दिया था, और बोला था कि ये टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा है ईरान के साथ में मिलकर। एक्चुअली के अंदर इन सब लोगों ने जो किया है ना,
वो यूएसए को खुश करने के लिए किया है, क्योंकि तो यूएसए और ईरान की बन नहीं रही है, कतर ईरान को मदद कर रहा है, तो यूएसए ने इन सबको बोला है कि आप कतर के साथ में रिश्ते ना रखे, डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक टाइज जो है वो पूरे के पूरे खत्म से कर दिए गए थे। साथ में 13 पॉइंट है जो कि बोले गए थे, डिमांड करी गई थी कतर के साथ में कि आप इन 13 पॉइंट को मानिए तो हम आपके साथ में काम वापस स्टार्ट कर देंगे। जिसको लेकर बोला गया था दोस्तों कि भाई आप लोग है ना अल जजीरा के अंदर न्यूज पब्लिश करना बंद करो, है ना, जो भी टेररिज्म को लेकर या किसी भी चीज को लेकर होती है, ओके, इसके अलावा रेडिकल इस्लामिस्ट ग्रुप को जो है फेवर करना बंद करो, ऐसे कई सारे चार्जेस है जो कि इनके द्वारा दिए गए थे। ओके गाइस, तो ये यहाँ पे दोस्तों बता दिया गया है। ICAO ने भी दोस्तों रूलिंग है जो कि दी थी इसके ऊपर, फिर उसने बोला कि भाई मैटर जो है वो एविएशन से बड़ा हो गया है, तो इसलिए ये मैटर जो है फिर कहाँ चला गया, ICJ में चला गया। अगर सिर्फ एविएशन की बात होती तो ICAO जो है ये भी यूएन की ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसको सॉल्व कर लेती, ठीक है, मॉन्ट्रियल के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। ओके गाइस, ये देख सकते हो ये है गल्फ काउंसिल कॉर्पोरेशन, इसको बोलते हैं गल्फ कंट्रीज, है ना, ये सारे जो 6 कंट्रीज है ना जो कि GCC के मेंबर है, समझ रहे हो, ये सारे ही दोस्तों गल्फ कंट्रीज कहलाते हैं। अगर कोई बोलता है ना कि गल्फ कंट्री में जा रहा हूँ तो इसका मतलब है गल्फ काउंसिल कॉर्पोरेशन के जो मेंबर कंट्रीज है उसमें वो जा रहा है। अगर कोई बोल रहा है इराक में जा रहा हूँ, इराक जा रहा है और बोल रहा है गल्फ कंट्री जा रहा हूँ, तो ये गलत बात है, वो गल्फ कंट्री नहीं है, इराक ईरान गल्फ कंट्री नहीं है, समझ गए। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं जो कि फर्स्ट ऑफ इट काइंड जो है गोधन न्याय योजना जो है छत्तीसगढ़ के द्वारा स्टार्ट करी गई। ये मैंने कल भी आपको बताया था, 2 रुपए के अंदर काउ डग है जो कि काउ का जो होता है ना गोबर वो लेंगे, उसको फर्टिलाइज करेंगे, वर्मी कंपोस्ट करेंगे, फिर जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए 8 रुपए पर केजी में उसको बेचेंगे, समझ गए। ये यहाँ पे दोस्तों किया जा रहा है। DRDO ने डेवलप किया दोस्तों P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम फॉर IL-76 एयरक्राफ्ट, ठीक है गाइस, तो DRDO ने डेवलप किया है P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम जो कि केपेबल है दोस्तों, ओके, 60 टन तक के जो है मिलिट्री के चीजों को ड्रॉप करने को लेकर पैरा ट्रूपर्स के लिए दोस्तों उसको काम में लिया जाता है। ओके गाइस, आगे बात करते हैं, IFGTB साइंटिस्ट जो है उनको अवार्ड मिला है इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन के अंदर, ठीक है, तो आप देख सकते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग जो है, ओके, तो उनके साइंटिस्ट को जो है अवार्ड मिला है, जहां कौन सा अवार्ड मिला है यहाँ पे एक्सीलेंस के लिए रिसर्च करने के लिए फॉरेस्ट के अंदर, ओके, कानन करके है उनको ही साइंटिस्ट है, उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ओके गाइज, तो ये किसके ऊपर, फॉरेस्ट के अंदर रिसर्च करने को लेकर है दोस्तों। ओके, आगे बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं जो कि है यहाँ पे कैसुआरीना को लेकर। ओके, ये क्या है दोस्तों, कटांगी और सावुरुकू जो एक प्लांट के जीन्स है जो कि 17 स्पीशीज के तौर पर दोस्तों मिलते हैं और भारत में इंट्रोड्यूस करे गए थे। ये किस लिए इंट्रोड्यूस करे गए थे, ताकि आपको मालूम है ना कि कोई भी प्लांट जो है ना सॉइल में से क्या लेता है, नाइट्रोजन है जो कि लेता है, तो नाइट्रोजन की बहुत जगह पे प्रॉब्लम होती है। ओके, नाइट्रोजन जरूरी होता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप करने के लिए भी बैक्टीरिया के साथ में, ठीक है गाइस, तभी तो फोटोसिंथेसिस या फूड है जो कि प्लांट बनाएगा, तो इसीलिए दोस्तों ये जो है ना कैसुरीना, ओके, इसको इंट्रोड्यूस है जो कि किया गया था। ये क्या करते हैं, प्लांट बड़े होकर फ्यूल वुड अवेलेबल करवाते हैं, पल्प अवेलेबल करवाते हैं आपके पेपर मेकिंग के लिए, ओके, बायोगैस के लिए भी काम आते हैं, तो इसीलिए दोस्तों इसको यहाँ पे यूज किया गया था, ठीक है गाइस, तो इन सब चीजों की रिसर्च है जो कि यहाँ पे रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर करी जाती है, ठीक है गाइस। इसके अलावा 3-month चैलेंज अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो 11 बजे और 12 बजे डेली लाइव क्लास होती है, फ्री होती है, स्पेशल सेशन पे ज्वाइन कर लिया करो। कैसे करना है आपको बता देता हूँ, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करो, डाउनलोड करने के बाद में इस ऐप को आपको ओपन करना है, ओपन करने के बाद में देखिए दोस्तों आपको यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा भुवनेश शर्मा BHUNSH, सर्च करते हैं दोस्तों आपको प्रोफाइल मिल जाएगी, ये देखिए प्रोफाइल आ गई, इसको ओपन करिए, ओपन करते ही दोस्तों फिर आपको यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा, फॉलो करते ही आपको स्पेशल क्लासेस सारे के सारे मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा फाउंडेशन बैच मेरा स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, आज 3री क्लास है, मजा आ जाएगा, फिजिक्स पढ़ के ज्वाइन करिएगा, ठीक है, भुवनेश टेन जो कि रेफरल कोड यूज करना है। मेरे अलावा आपको SSC में मैथ रीजनिंग इंग्लिश और GS के सारे सब्जेक्ट के सारे टीचर की क्लासेस मिल जाएगी, ओके। इसके अलावा अगर आप इंडिया में किसी दूसरे एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो तो भी भुवनेश टेन यूज कर सकते हो। गेट सब्सक्रिप्शन पे जाइए, 500 रुपए पर मंथ पे जाइए, रेफरल कोड लगाइए भुवनेश टेन और अप्लाई कर दीजिए, 10% ऑफ मिल जाएगा, और क्रेडिट कार्ड है तो आप EMI के ऊपर भी इसको पे कर सकते हैं। आज के महत्वपूर्ण सवाल है, शोधकर्ताओं ने हाल ही में डैश में समुद्री जो है यहाँ पे तिलचट्टा प्रजातियों में की खोज करी है, ओके, इंडिया ने के जो स्पाइस के जो एक्सपोर्ट है वो कितना प्रतिशत बढ़ गया है। काजीरंगा नेशनल पार्क दोस्तों कौन से राज्य में है, साथ में एंड्रे के बारे में बताना जिन्होंने रिटायरमेंट लिया है कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं।
गोधन न्याय योजना कौन से राज्य के द्वारा लॉन्च करी गई। तो ये था आज का सेशन दोस्तों, शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं वापस से 11 बजे वाली क्लास में, आज ज्योग्राफी है जो कि हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।